हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में जो है आपको संज्ञा, और संज्ञा को तो पहले समझेंगे ही, उसके साथ साथ जो है इसमें आपको जो है क्वेश्चन को भी समझेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जो आपको संज्ञा का जो है टॉपिक क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको जो हूँ क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। अगर क्वेश्चन की बात कर लूँ तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको जो है पूछा जाता है, अक्सर आपको जो है संज्ञा में जो है कुछ इस तरीके का प्रश्न आपको मिलता है। अगर अभी का जो सेशन आप करते हो तो मैं आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, वैसे तो आप जनरली जानते संज्ञा के 5 पार्ट होते, व्यक्ति, जाति, ये सब आप जानते होंगे और इससे रूबरू बचपन से आप हुए रहते हैं, लेकिन जब आप प्रश्न की ओर आते हैं ना तो फिर आपका पानी पानी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न में कुछ ऐसी चीजें जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, ओ यार ऐसे पढ़े, इनका आपने सही डायरेक्शन नहीं लगा पाते। उससे इस क्वेश्चन को देखने के बाद और जो मैं आपको बताऊंगा संज्ञा के बारे में, तब आपको जो है कुछ ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, संज्ञा को पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास आ चुका है संज्ञा, इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं, और संज्ञा को जो है आप एक छोटे लेवल से आप पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन जब भी हो अगर संज्ञा की बात हो तो वही चीजें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। पहले तो मैं बता दूं डियर, ये जो संज्ञा जो है जिसको हम लोग नाउन कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है, बट अभी हम हिंदी की बात करेंगे, ठीक है ना। ये जनरली सभी को पता होता है कि इसमें वस्तु हुआ, स्थान हुआ, गुण, भाव, इन सभी का जो नाम है या फिर इन सब चीजों को जो दर्शाता है, जो प्रदर्शित करता है, चाहे गुण हो गया, चाहे किसी का नाम हो गया, चाहे किसी का भाव, किसी का जाति, किसी का कुछ, जो प्रदर्शित करता है, जो आपको क्या करता है, दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, बोलेंगे, ठीक है जी। और ये संज्ञा को जो है आप अगर मैं डिफाइन कर लूं इनका कुछ एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपको यहां पर दिया हुआ प्राणियों के नाम में मोर, घोड़ा, अनिल, ये तो आपको समझ से परे तो है नहीं, क्योंकि एकदम नॉर्मल है कि ये चीजें क्या है, ये सभी संज्ञा के रूप में आते हैं। ये वस्तु का नाम, ये सभी संज्ञा, स्थानों के नाम, ये भी संज्ञा, वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि, ये सब क्या है, ये आपको संज्ञा ही है। लेकिन संज्ञा का जो है ना 5 पार्ट है, उन पार्टों में कहीं ना कहीं आपको डिफाइन है, जैसे ये भावों के आधार पर वीरता, संज्ञा का अर्थ वीरता तो जरूर है, अर्थ मतलब उनके अंदर में, लेकिन ये किसके अंतर्गत आ गया, भाव, भाव को बताता है, वीर कुछ अलग हो गया, तो ये चीज है, लेकिन जब वीरता लग गया तो ये क्या हुआ, भाव को आपको बताता है। तो इस तरीके की चीजें हैं, और लॉजिकली और हम समझेंगे कि इसका मैटर क्या है। ध्यान दीजिएगा यहां पे कि संज्ञा को 5 मतलब आपको जो है 5 भाग में विभाजित करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जिनमें आपको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर बात किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा, नॉर्मल सी चीजें हैं और इंग्लिश में भी लिखा हुआ, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहां पर कुछ ज्यादा इस पर एग्जाम्पल होता है। जैसे मैं आपको बता दूं डेयर, व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहले डिफाइन, इसका डिफाइन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप डिफाइन को बेहतरीन ढंग से समझते तो क्वेश्चन यू बनेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि बेटा ये व्यक्तिवाचक है, ये भाववाचक है, कि ये वाचक है, ये वो वाचक है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप देखते हो तो ये क्या कहता है, ये डिफाइन करता है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, बट क्वेश्चन बनाने के टाइम ये समझ में नहीं आता सुसरा, ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है, ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है। मैं इसी चीज को समझा रहा हूं, मेरे थोड़ी सी बात को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ऐसा कुछ चीजें, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे बोला व्यक्ति के नाम पर रवीना सोनिया गांधी, अरे यार ये क्या, देखो मैं एक चीज बताता हूं, ये 100% कंफर्म कर रहा है किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम रवीना बोला तो डायरेक्टली रवीना को ही बोल रहा है ये, बाकी बीच में कोई झोल ऐसा है नहीं, ध्यान दीजिएगा, या सोनिया, ये डायरेक्ट प्रदर्शित कर रहा है ये रवीना है, ये सोनिया है, ये गांधी जी है, ये वो है। अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वस्तु का नाम, देखिए वस्तु के नाम में जो है दे दिया कार, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये एग्जांपल गलत है, ये कार यहां पर हो ही नहीं सकता, पूछो क्यों, क्यों, क्या रीजन है, देखो मैं ये बात से पूरा क्लियर होगा, मैंने कार को काट दिया, मतलब गलत एग्जांपल यहां पर, कार से क्या मतलब, कार तो सब होता, स्कॉर्पियो हुआ, कौन कौन कार, बहुत सारा कार है नहीं, आपको अलग अलग तरीके का कार है, अलग अलग कंपनी का कार है, किसकी बात हो रही है इसमें, आपको पता है क्या इसमें जिप की बात हो रही है, क्या इसमें स्कॉर्पियो की बात हो रही है, क्या बोलेरो की बात हो रही है, क्या नैनो की बात हो रही है, हाँ किसकी बात हो रही है, किसी की बात नहीं है इसमें, आपको पता ही नहीं किसकी बात हो रही है,
समझ रहे हो? तो याद रखना ये कार जो है ना आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ जी, किसी एक विशेष की बात नहीं हो रही है, ये तो चला गया भाववाचक के अंतर्गत। हाँ जी, पूरे कार की बात हो गई, पूरे कार, कार में जो भी मॉडल होता हो, चाहे BMW होता हो, चाहे कोई भी होता हो। क्लियर? मेरी बातों को सुनो, एग्जांपल पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है चाय। यहां पर क्या बोल रहा है? चाय मतलब टाटा का चाय होता होगा, नाम है टाटा का चाय, वो एक ब्रांड आ गया टाटा का चाय, वो मेन उसी की बात हो रही, तब ये व्यक्तिवाचक है, उसी की बात हो पर्सनली। अगर आपके बारे में पर्सनली नाम कुछ आपका मोहन है, आपके बारे में डायरेक्ट मोहन को बोला जा रहा, तब व्यक्तिवाचक है। ठीक है, हाँ जी। जैसे कुरान गीता, मतलब डायरेक्टली बोल रहा कुरान गीता। अगर यहां पर बोल देता धार्मिक किताबें, अगर कह देता बेटा धार्मिक किताबें, कौन धार्मिक किताबें? कुरान गीता या फिर कौन धार्मिक किताबें, कौन सा धर्म ग्रंथ? तो वो भी है, लेकिन किसका, का चीज, कौन वाला, रामायण, क्या लॉजिक तो नहीं पता है ना, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। देखो लॉजिक है बट और कुछ नहीं यहां पर। ठीक है ना, हाँ जी। जैसे ये ताजमहल, तो ताजमहल तो वर्ल्ड फेमस है भैया, ताजमहल ही के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना, हाँ जी। सात अजूबा चीजें, अगर डायरेक्ट बोलते बोवा सात अजूबा चीजें, अब किसकी बात है भैया? उस सातों की बात हो रही है, तो हाँ बिल्कुल सातों की बात हो रही है। उसमें पर्सनली किन की बात है? तो यहां पर ताजमहल की पर्सनली बात है, तब ये व्यक्तिवाचक है। कुतुब मीनार, ये सब पर्सनली हो गया। उत्तर पश्चिम देश का नाम, राष्ट्रीय जातियों का नाम, समुद्रों का नाम हो गया, नदियों का नाम, या हिमालय पर्वत जो भी हो, ये पर्सनली उसी चीज की बात हो रही है। अगर डायरेक्ट बोलते बेटा पर्वत, तो हमें तो नहीं पता यार हिमालय पर्वत की बात है कि आपको अलकनंदा पर्वत की बात है, हमें नहीं पता ना। पर्वत डायरेक्ट बोल दे तो फिर ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, नहीं। तो ये चीज है, तो ये आपको जो है क्लियर हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है ना, हाँ जी। डायरेक्ट बात हो जाए, डायरेक्ट उसी की बात हो, समझो कि व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलिए। और ये एग्जांपल देख के तो आपको और मजा आया होगा। इसके बाद आपको और भी सारा एग्जांपल है जो देख सकते हैं, चाहे बुक की बात हो, चाहे किसी भी, अक्टूबर, जुलाई, मंगलवार, सोमवार, सब इसके अंतर्गत है। आप इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, चलिए। इसके दूसरे नंबर पे माय डियर आता है जातिवाचक। जाति से लग रहा है किसी जाति का बोध होता है, जाति। जैसे ये एग्जांपल, जैसे आपको जो है ये डिफाइन करता है कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, सभी प्राणियों, अगर बोल दिया जाए भारतीय, मैं भारतीय हूं, मतलब पूरे भारतवासी की बात हो गई है। ठीक है ना, अगर डायरेक्टली भारत की बात किया जाए तो भारत एक देश है, मतलब वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन भारतीयों, भारतीयों में पूरे पूरे भारतीयों, मतलब पूरी जाति की बात हो गई है, नहीं। तो पदार्थ का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, जैसे लड़का, तो लड़का में का, लड़का में का, कौन लड़का? राम, रमेश, आप या मैं, नना बताया गया, मतलब ये पूरे लड़के के पूरी जाति की बात हो रही है, लड़का की पूरी जाति। पशु, पशु पक्षी, मतलब पशु में सब टोटल आ गया, किसी विशेष प्रकार का। अब बोल देता बाघ, डायरेक्ट बाघ बोलता, अरे बाघ तो हम जानते कौन है, तो व्यक्ति में चला गया, डायरेक्ट है तो फिर व्यक्ति में। कोई वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये एग्जांपल देखिए। लड़का, लड़का में इसने लिया राजेश। हाँ, अब ठीक है, लड़का में क्या, राजेश, भैया राजेश डायरेक्टली कोई बोलेगा तो बोलेंगे सर जी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यह कहने का मतलब है कि अगर किसी लड़का की बात करता है तो इसमें पूरे लड़के की बातें हो गई, जैसे राजेश, सतीश, दिनेश इत्यादि, सभी लड़कों का बोध होता है। इसलिए बेटा ये लड़का जो है ना, क्या है ये लड़का, एग्जाम्पल में जो लिया था वो क्या हुआ, क्या जातिवाचक, पूरे लड़का की बात हो गई। अगर पशु पक्षी, तो पूरा पशु पक्षी की बात हो गई, गाय, घोड़ा, कुत्ता, मोर, पक्षी में मोर, बहुत सारे पक्षी में बहुत सारा चीज है ना, तो सब की बात हो गई, नहीं उसके पूरी जाति की, पूरी खानदान की बात हो गई, पूरी खानदान। सिंगल की बात हो तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, ये सभी की बात हो रही है। तो अगर डायरेक्ट कोई बोल दे बेटा वस्तु, तो वस्तु तो भैया हम समझ गए कि टोटल प्रजाति की बात है वस्तु में, जो भी हो जाए। मनुष्य, मतलब मनुष्य के हर जाति की बात हो गई। ठीक है ना, हाँ जी। संसार में वो मनुष्य भारतीय हो, अफ्रीकन हो, अंग्रेज, कहीं पर भी हो, पूरे मनुष्य की बात हो रही है। अगर पहाड़ की बात किया जाए तो सभी पहाड़ की बात हो रही है। हाँ जी, ये चीज है। तो ये है इनका, ये लॉजिक होता माय डियर। इसको क्वेश्चन पे जब अप्रोच करेंगे ना, क्वेश्चन पे जब इसको डालेंगे ना, तब पक्का और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, आइए इसके बाद है माय डियर भाववाचक संज्ञा, मतलब किसी के भाव की बात हो। भाव बोलेंगे गुरु, भाव क्या होता है, भाव कैसे प्रदर्शित होगा, मैं वो बताऊंगा। कहते जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, उसका अवस्था बताया जाए, उसका गुण बताया जाए, उसका दोष बताया जाए,
ठीक है, या फिर दोष, भाव, दशा, धर्म इत्यादि का बोध उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, मिठास, उनके गुण की बात हो रही है। ओ यार मिठाई बहुत मीठ, मिठाई बेटा मीठी है, मतलब उनके प्रॉपर्टीज की बात हो, उनकी क्वालिटी की बात हो रही है। भाव देख लो, क्वालिटी बता रहा है। बचपन, उनके बचपना की बात हो रही है। नहीं, मोटापा, मतलब उनके मोटे की बात हो रही है। चढ़ाई, थकावट इत्यादि, ऐसा चीजें, इन सभी में क्या होता है बेटा, एक भाव को दर्शाता है। क्या करता है, उनके भाव को दर्शाता। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद इसका तो 5 पार्ट है ना। इसके बाद इसका समूहवाचक, समूह से तो एक बात तो क्लियर है कि बेटा पूरे ग्रुप की बात हो रही है। नहीं, जो ग्रुप वाली ट्रोली हो, जैसे एग्जांपल पहले इसका डिफाइन कर लो। कहते हैं जिस शब्द से वस्तु के पूरे समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे भीड़ हुआ, बाजार हुआ, आर्मी का पूरा ट्रोली हुआ, नहीं, जहां पे भीड़ लगा हो, पूरी जनता, सभा, कक्षा, कक्षा में क्या बहुत सारे आपको क्या हो सकता है स्टूडेंट हो सकता है, पूरे वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, कूज, मंडल, जहां बहुत ज्यादा पूरे ग्रुप में हो, तो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक कहलाता है। ये बेसिकली एकदम नॉर्मल। चलिए अब बात करते हैं इसमें द्रववाचक संज्ञा के बारे में। अगर आपको द्रववाचक संज्ञा की बात होती माय डियर, तो इसमें कहता जिस संज्ञा से नापने वाली बात है, तौलने वाली बात है, वजन कर लीजिए, कीजो करिए, मतलब तौलिए, उनका बोध होता हो उसे द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध होता हो उन्हें द्रववाचक संज्ञा कह सकते हैं। या इस तरीके से डिफाइन करिए या इस तरीके से डिफाइन करिए, बतवा सेम है। जैसे तांबा, पित्तल, चावल, घी, तेल, वाटर, जितनी भी सारी चीजें जिसे नापा या तौला जा सकता है उसको द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कुल मिला के जो है, इन सभी चीजों को, जो पृथ्वी पे इतनी सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को अगर देखा जाए तो किस तरीके से संज्ञा के अंदर में रखते वो चीजें। हालांकि सब संज्ञा के अंदर में, लेकिन संज्ञा के जो अलग अलग पार्ट में है वो चीजें, कौन किसके अंतर्गत आता वो चीजें। अगर आपको क्वेश्चंस की बात किया जाए माय डियर, जो आपको क्वेश्चन ज्यादा क्लियर करेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है पश्चिम, पश्चिम कौन सा संज्ञा है? गुरुजी व्हाट पश्चिम, व्हाट पश्चिम, पश्चिम क्या, उत्तर, पूरा, पश्चिम, दक्षिण वाला, बोलेंगे जी हाँ। ये डायरेक्टली बता रहा है, ओ पश्चिम ये साइड है, हाँ जी ये साइड पश्चिम है ना, तो डायरेक्ट बोला पश्चिम, पूरा क्लियर है, इसमें कोई बीच में झोल नहीं है। हाँ जी, अगर दिशा बोल दे तो पता है किस दिशा की बात हो रही है, हाँ? किस दिशा की बात हो रही है, उत्तर पूरा नहीं पता है, तब ये चला गया भाव में। ऐसे जो है अगर डायरेक्टली बोल दे कि पश्चिम, तो पश्चिम हमें बता रहा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नहीं, डायरेक्टली पश्चिम की बात है, ठीक है ना जी। आपने नहीं भरोसा हो तो एक मरतब मैं फिर से रिकॉल कर दूं, मैं आपको बता दूं, आपने अभी जस्ट देखा होगा पश्चिम वाली बातें थी ना, बोलेंगे जी सर जी कहां गया आपका जो है जाति, जाति नहीं, अच्छा वो जो, अच्छा दिशा की बात कर रहे हैं बेटा, वो जाति में चला जाएगा, सॉरी बुला गया था वो, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ ऐसा ना समझ ले। आइए माय डियर, व्यक्तिवाचक में जैसे बोले ना, इसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम हो, देशों का नाम हो, समुद्रों का नाम हो, पर्वतों का नाम हो, पुस्तकों का नाम हो, ऐतिहासिक, इन सभी चीजों में देखोगे पर्सनली उन्हीं की बात हो रही है, तब ये क्या होता है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता। तब ये क्या कहलाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आपको जो है यहां पर दिशा में जो है डायरेक्टली बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा, दिशा में डायरेक्टली बोल दिया कि क्या चीज है, पश्चिम की बात किया तो पश्चिम हो गया। नहीं, हां जी, इनके पूरे परिवार की बात नहीं किया, अगर दिशा बोल देता तो चारों की बात हो जाती ना, चारों दिशा की बात होती, तो उसकी बात नहीं किया, इसमें डायरेक्टली पश्चिम बोला है। तो ये पश्चिम डायरेक्टली बोला है, इसका मतलब ये है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करवाएंगे, सब्र करो, मैं तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको जो थ्योरी के पास ले गए थे। कहते कोशी नदी जो है प्रत्येक वर्ष बढ़ जाती है, बाढ़ लाती है, यहां कोसी कौन सी संज्ञा? बेटा एक चीज मुझे बताओ, यहां पर बोला जा रहा कोसी नदी जो है ना प्रत्येक साल बाढ़ लाती, किसकी बात हो रही है, नदी की? डायरेक्टली बोला नदी जो हर साल नदी बाढ़ लाती है। अबे कौन नदी, कौन नदी, नहीं पता, नहीं पता, मतलब पूरे नदी जाति की बात हो रही है, धरती पे जितने भी नदी सब की बात हो रही है। यहां पे बोल दिया, पर्सनली बोला गया बेटा कोसी, 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 बिहार की शोक कहने वाली कोसी, नहीं तो उस कोसी की बात है। इसका मतलब ये हो गया कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया, डायरेक्टली कोसी की बात है इसलिए,
नहीं, डायरेक्ट नदी की बात क्या, हमें तो पता ही नहीं कौन नदी, अगर बोल दिया उसके बारे में तब ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, उसके बारे में बात हो रही है, रामायण मतलब ये डायरेक्टली रामायण की बात हो रहा। अगर बोल देता कोई धार्मिक किताब है, हमरा का पता है, हमने का पता कि गीता की बात हो रही, रामायण की बात हो रही है, किसी और की बात हो रही, बाइबिल की हो रही, कुरान की हो रही, हमें नहीं पता कौन धार्मिक की बात हो रही है। लेकिन यहां पे पर्सनली बोल दिया, क्या रामायण मतलब, रामायण बोल दिया मतलब ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ गया। और चलते और चलते, पानी, पानी तो देख के बता देगा बंदा कि बेटा ये तौलने नापने वाली चीजें, तो ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब ये द्रव्यवाचक संज्ञा आपको कहलाएगा, राइट ना। हाँ जी, कहते संज्ञा शब्द है भैया, का संज्ञा देख लेते, नीज, अरे नीज कौन वाला। हाँ जी, यहां पर बोलता आलसी, मतलब उसके बॉडी में आलसी वाली बात है। लेकिन संज्ञा जो शब्द है, वीरता, वीरता, वीरता मतलब क्या, भाव, वीरता भाव, उसके भाव को बता रहा, वो वीर है, वीर नहीं, ताला गया तब वीरता हुआ, मतलब ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया, है ना। तो ये चीजें आ गया माय डियर। तो ये आपको जो कुछ इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन पूछता है, जिसे डिफाइन करनी है। जी देखिएगा, सर्दी शब्द कौन संज्ञा, अब सर्दी, सर्दी, सर्दी कौन होगा। हाँ जी, सर्दी से क्या मतलब आपका, सर्दी आ गई। हाँ जी, तो ये जो सर्दी हुआ माय डियर, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक या जातिवाचक, जल्दी से बताइए। सर्दी जो हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा, ये पूरे सर्दी की बात हो रही, भाववाचक संज्ञा। हाँ जी, कौन वाला सर्दी, फिर जनवरी वाला, दिसंबर वाला, नवंबर वाला, मार्च वाला, व्हाट सर्दी। हाँ जी, हमको बारिश हो गया वो वाला सर्दी, या अपने को सर्दी हो गया वो वाला सर्दी, कि मौसम वाला सर्दी है, कि गंगा कौन संज्ञा है। देखिए मैं यहां पर बता दूं डियर, अगर गंगा के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब यह कि पर्सनली गंगा नदी की बात कर रहा है ना, तो गंगा कौन सी संज्ञा होगा, तो गंगा जो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, या गंगा किसी आदमी का नाम होगा फिर भी व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि वो पर्सनली गंगा के बारे में बोल रहा है। अब ऐसे गंगा नदी की बात यहां पर नहीं किया, गंगा की बात किया, तो गंगा कोई नाम होगा, नाम ही है ना जी गंगा, चाहे नदी का नाम हो चाहे किसी इंसान का नाम हो, तो पर्सनली गंगा की बात हो रही है ना। हाँ जी, तो ये चीज है। शाबाश, अब देखो यहां पर बोल दिया शाबाश, मतलब किसी को क्या कर रहा है, मतलब ये दे रहा शाबाशी, दे किसे दे रहा है, इंसानों को, बोलेगा हाँ इंसानों को दे सकता है, तो किसे दे रहा है, यहां पर कोई डिफाइंड या फिर आपको क्लियर नहीं किया गया है। तो यहां पर उसका क्या हुआ, चाबाशी एक प्रॉपर्टीज गुण की बात हो रही है, नहीं है। हाँ जी, उनका एक क्वालिटी था, उन पे वो चाबाशी दिया, मतलब उनके प्रॉपर्टीज की, गुण की बात हो रही, क्वालिटी की बात हो रही है, अच्छा काम किया, इसलिए उनके भाव को दर्शाता है। क्या करता बेटा, भाव को दर्शाता है। संज्ञा के कितने भेद होते, संज्ञा के पांच भेद होते, ठीक है ना। इसके बाद कहता भारतीय शब्द कौन संज्ञा है, भारतीय मतलब यह है कि भारतीय, ओ यार पूरे भारतीय, पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है, वो भी पूरे हिंदुस्तान के हर इंसान की बात हो रही है। इसका मतलब भारतीय क्या होगा, बोलेंगे सर जी भारतीय तो पूरे जाति की बात हो रही है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, नहीं समझ रहे हो, पूरे जाति की बात हो गई, पूरे नस्ल, पूरे हिंदुस्तान के हर इंसानों की बात हो गई, उनके हर चीजों की बात हो गई, तब ये भारतीय हुआ। डायरेक्ट अगर भारत बोल दे तो भैया भारत तो एक देश है, मतलब ये व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, क्या कहते हो जी। आइए जुलाई, तो भैया जुलाई क्या है, बोलेंगे अब ये नहीं बोला भैया कौन मंथ, तो बोल दिया डायरेक्ट खुलियाम बोला अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, डायरेक्ट बोला जुलाई, तो जुलाई क्या, एक व्यक्तिवाचक है, तो डायरेक्टली आप इसको जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत डाल दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये चीज है। भारत, भारत शब्द कौन संज्ञा, तो भैया भारत क्या है, भारत एक देश है, और कोई भी देश हो, कोई विशेष की बात नहीं है, कोई भी देश हो उस देश को या कोई नाम हो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, बन गया ये, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और भी क्वेश्चन है अक्टूबर, तो अगर अक्टूबर की बात किया जाए, अक्टूबर हो चाहे जुलाई हो, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा माय डियर, ठीक है ना। ज्वालामुखी, अब भैया कौन वाला ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो दो टाइप्स का होता, अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरीके का ज्वालामुखी होता, किसकी बात हो रही है हमें नहीं पता यहां पर, मतलब पूरे ज्वालामुखी की बात हो रही है, धरती पर जिस तरीके का ज्वालामुखी, उन सभी की बात हो रही है, उसके पूरी खानदान, उनके पूरी जाति की बात हो रही है ना। हाँ जी, धरती पे जैसा भी ज्वालामुखी सब की बात हो रही है, इसका मतलब वो पूरे जाति की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। तो देखो मैटर समझना आपको, अगर मैटर नहीं समझे तो क्या होगा, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन क्या है गुरुजी, रक्षाबंधन एक त्यौहार है, होली क्या है, होली एक त्यौहार है, तो हम जानते हैं रक्षाबंधन त्यौहार है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो कुछ ऐसा नहीं कि पूरे रक्षाबंधन, बेटा रक्षाबंधन एक के गो पूरे क्या, डायरेक्ट बोल दिया रक्षाबंधन, होली तो डायरेक्टली होली,
तो हो गया उन पे क्लियर, मतलब आपको जो है ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा बाबू, ठीक है ना। मनुष्य शब्द, बेटा मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है, मनुष्य का मतलब पूरी मनुष्य, धरती पर जितने मनुष्य, अमेरिका वाला, हिंदुस्तान वाला, बिहारी वाला, अरे भैया कोई भी हो, पूरे मनुष्य जाति की बात है, मतलब ये चला जाएगा किसके अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। नहीं, पूरे मनुष्य को ले लिया ना यार, पूरे मनुष्य को नहीं, उनके पूरे खानदान को ले लिया, मनुष्य में जो भी होता जिस प्रकार का होता जी। चलिए माय डियर, तो इस तरीके से जो है हम जो है आपको संज्ञा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था मैंने आपको करवाया माय डियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।